वेलकम बैक टू माय चैनल विकी कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड आज हम अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर का, ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था रेक्टिफिकेशन करने का, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सके कि एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन होता कैसे है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कैसे करी जाती है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पिक करा है डी के गोयल का। क्वेश्चन नहीं हो टेंशन नहीं लेना, मेरे को बताना, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। एंड बाकी आप जानते हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, दैट इज बेल आइकन पे। एंड बाकी कोई भी डाउट्स लगते हैं आप लोग के मैसेज आ ही जाते हैं, डीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी भी टाइम कर सकते हो। फ्रीकिंग कॉमर्स का पेज ध्यान रखिएगा या फिर गाइडिंग लाइट क्लासेस की एप्लीकेशन। तो चलो वीडियो को बिगिन करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग अभी जो बेसिक पढ़ने वाले हो उसमें तीन कॉलम्स बनाओगे आप, ठीक है। पहला कॉलम आपका जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट एंट्री का, दूसरा कॉलम रहेगा रॉन्ग एंट्री का, तीसरा कॉलम रहेगा रेक्टिफाइंग एंट्री का। अभी आप इनिशियली जो पढ़ोगे, जो क्वेश्चंस करोगे, वो आप इस फॉर्मेट में करोगे। जब आप पेपर में करोगे तो पेपर में सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग चाहिए होता है जर्नल्स के फॉर्मेट में, उस टाइम पे हमें इन दो से कोई मतलब नहीं होता, या एज अ वर्किंग नोट का पार्ट है आपका। सो पहला फॉर्मेट किस चीज का है, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी जो हमने नहीं करी, रॉन्ग एंट्री जो हमने कर दी, और फिर इन दो के बेसिस पे हम कौन सी एंट्री बनाएंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। पेपर में ध्यान रखिएगा सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री से ही मतलब होता है, यही लिखनी होती है, जर्नल्स के फॉर्मेट में लिखनी होती है। ये ड्रामा पेपर में करके आओगे तो पूरा काट दिया जाएगा, तो ये पूरा नहीं करना है, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री, वो भी जर्नल्स के फॉर्मेट के साथ। इनिशियली करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। क्वेश्चन जब आप रीड करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन में आपकी जो पहली ट्रांजिशन होगी उस ट्रांजिशन का इनिशियल फेस आपको करेक्ट एंट्री के बारे में बताएगा। हर ट्रांजिशन में जो स्टार्टिंग लाइन होगी वो आपको हमेशा करेक्ट एंट्री के बारे में बताएगी, उसका जो लास्ट का फेज होगा वो आपका रॉन्ग एंट्री बता रहा होगी कि हमने गलती क्या करी। इन दो के बेसिस पे हम रेक्टिफाइंग को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहली ट्रांजिशन आती है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर रुपीज 11,500। आप लोग की अगर पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, तो पुरानी बुक में वहां पे ए लिख देना, टू के आगे ए नहीं लिखा होगा। अब ये नई बुक्स में आ चुका है तो वहां पे टू ए लिख दीजिएगा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर रुपीज 11,500 वॉज पास्ड थ्रू सेल्स बुक। तो अभी यहां क्या करना है, अभी सिंपल हमें ट्रांजिशन देखनी है, तो ट्रांजिशन में सिर्फ फर्स्ट हाफ देखते हैं। फर्स्ट हाफ सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500, यहां से करेक्ट एंट्री मिलेगी। क्या एंट्री हो गई, ए डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ए डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 11,500 से। That was the correct entry इस transaction की जो होनी चाहिए, उसमें लिख दिया was passed through sales book, मतलब मैंने उसको as a sales मान लिया, तो मैंने entry क्या pass कर दी, A debit to sales। क्योंकि आप ध्यान रखना sales book में हमेशा credit transaction आती है, sales book हमेशा किसको record करता है, credit transaction को, तो यहां पे cash नहीं आएगा, cash to sales मत करिएगा, A to sales 11,500 से। करेक्ट एंट्री हमें मिल गई, रॉन्ग एंट्री हमें मिल गई। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, कोई ऐसा अकाउंट जो गलती में भी सही हो गया। ए डेबिट होना चाहिए था, ए डेबिट है, मींस ये आपकी ट्रांजेक्शन सही है, तो हमें इसको देखना ही नहीं है। फर्नीचर को क्रेडिट करना था लेकिन हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये मिस्टेक है। तो वही सेम, पहले मिस्टेक को सही करेंगे फिर जो नहीं करा वो करेंगे। सेल्स गलती से क्रेडिट है, सही करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट 11,500 से, हमारी गलती सुधर गई। अब जो नहीं करा, फर्नीचर को क्रेडिट नहीं करा, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, सो टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, राइट। ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजेक्शन देखो आप, क्रेडिट परचेज ऑफ 12,000 from OJS omitted to be recorded in the books। मतलब OJS से हमने गुड्स खरीदे उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ये तो कोई सिंपल सी एरर है, इसमें कोई करेक्ट रॉन्ग का मतलब ही नहीं बनता, सिंपल
रिकॉर्ड कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजस कितने रुपए से, 12,000 रुपीज से। सिंपल, ओमिशन का तो मतलब होता है भूल जाना, और जब भूल गए तो हम लिख देंगे, हमारी एरर खत्म। पॉइंट नंबर थ्री आपके पास आता है, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, जैसे अभी हमने पढ़ा था। अब रिपेयर्स मेड करी गई 7,000 रुपए की, तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 से। हमने 7,000 रुपए रिपेयर्स करी, डेबिटेड टू बिल्डिंग मींस मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000, राइट। सेम कैश कैश कैंसिल, क्योंकि 7,000 कैश कैश बिल्कुल सेम था, गलती में भी हमने इसकी पोस्टिंग सही कर दी, बिल्डिंग लिख दिया रिपेयर्स की जगह। तो पहले अपनी गलती को सही करेंगे, गलती थी बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, तो सही क्या करेंगे, टू बिल्डिंग क्रेडिट कर दिया। फिर जो नहीं करा वो करेंगे, रिपेयर्स को डेबिट नहीं करा था तो रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आता है आपके पास, क्रेडिट सेल ऑफ 1800 टू अवीकन वर रिकॉर्डेड एज 8100 फोर्थ ट्रांजेक्शन, तो इसकी एंट्री बनी अवीकन टू सेल्स 1800 रुपए से, राइट, 1800 रुपीज से बनी। मिस्टेक थी हमारी यहां पे अमाउंट में, बाकी सब सही था, अवीकन डेबिट टू सेल्स ही लिखा हमने, लेकिन कितने से लिख दिया, 8100 से लिख दिया। क्या इनके नाम कट सकते, नहीं कट सकते। क्यों नहीं कट सकते, क्योंकि इनके अमाउंट चेंज है, अवीकन में 1800 है, यहां अवीकन में 8100, तो मैं नहीं काट सकता। यहां कैश 7000 कैश 7000 दोनों सेम था, इसलिए मैंने काट दिया। आप लोग यहां मत काट देना कि तो ये अकाउंट तो सेम ही है, कुछ गलती नहीं है, अमाउंट मिस्टेक है। चेक करो, अवीकन में 1800 आने चाहिए थे, हमने 8100 कर दिया, हमने उसके अकाउंट को ज्यादा से प्लस कर दिया, राइट, हमने उसके अकाउंट में पैसे ज्यादा ट्रांसफर कर दिए। पैसे निकालोगे कैसे, ऑपोजिट करके, अगर मैंने अवीकन को ज्यादा से डेबिट कर रखा है तो मैं क्या कर दूंगा, अवीकन को क्रेडिट कर दूंगा, उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, है ना। सेल्स को मैंने ज्यादा से क्रेडिट कर रखा है, सेल्स में पैसे ज्यादा ट्रांसफर कर रखे हैं, कैसे निकालेंगे पैसे, सेल्स को डेबिट करके, सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू अवीकन। कितने एक्स्ट्रा रुपए हमने ट्रांसफर कर रखे हैं यहां पे, 6300 हमने ट्रांसफर कर रखे हैं, 6300 रुपीज मैंने निकाल लिए। निकालने का तरीका होता है ऑपोजिट बैलेंस, अगर आपका बैलेंस डेबिट हुआ हुआ है और आपके अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो आपको क्रेडिट कर दूंगा, तो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल हो जाएंगे। तो अवीकन में पैसे ज्यादा चल रहे थे, क्रेडिट करा पैसे निकाल लिए, सेल्स में ज्यादा चल रहे थे, डेबिट करा पैसे निकाल लिए। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ, 6,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, तो करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 रुपीज वर डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, मतलब मैंने उसको ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, सो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। भाई कैश से कैश कैंसिल, क्योंकि हमारी पोस्टिंग सही थी कैश की, गलती को पहले सही करेंगे फिर जो नहीं करा वो करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस गलती थी डेबिट करके, तो सही कैसे करेंगे, क्रेडिट करके टू ऑफिस एक्सपेंस। जो नहीं करा मींस फर्नीचर को डेबिट नहीं करा तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 6,000 से। बहुत इजी ट्रांजेक्शंस लगती हैं क्योंकि मैं करा रहा हूं, जब खुद करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पहचानने में दिक्कत होती है कभी कभी कि करेक्ट क्या है या उसने क्या गलती करी है, ठीक है, उसकी क्या गलती थी वो हमें पता नहीं चल पाती। जब तक आपको गलती पता नहीं चलेगी तो पकड़ोगे कैसे और सही कैसे करोगे, हो सकता है उसने गलती कुछ और करी, आपने उसकी गलती को और बड़ी गलती कर दी। तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन समझने के लिए जर्नल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ना करेक्ट समझ पाओगे ना रॉन्ग समझ पाओगे, रेक्टिफाई तो बहुत दूर की बात है।
लास्ट ट्रांजेक्शन सिक्स वाली इसकी, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक. मीन्स पहले तो हम गुड्स बेच रहे हैं लेकिन हमने उसको एज अ सेल्स दिखा दिया, तो हमने जब गुड्स बेचे हैं तो एंट्री क्या बनी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपए से, लेकिन मैंने उसको पास कर दिया है परचेज बुक के थ्रू. परचेज बुक का मतलब क्या होता है, मैंने उसको एज अ परचेज शो कर दिया. मीन्स एंट्री मैंने पास कर दी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश. अब इस वाली कहानी में हम रमेश का अकाउंट को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इधर रमेश डेबिट में इधर रमेश क्रेडिट में, तो क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता. सेल्स और परचेज दोनों अलग है, मीन्स इस वाले में आपस में कोई भी चीज कैंसिलेशन नहीं हो रही. कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा, पहले गलती को सही करेंगे फिर जो नहीं करा वो करेंगे. गलती सही करने का तरीका क्या होगा, परचेज डेबिट में था गलती थी, कैसे सही करें, क्रेडिट करके. रमेश क्रेडिट में था गलती थी, कैसे सही करें, डेबिट करके. सो रमेश अकाउंट डेबिट, सबसे पहले मैंने अपनी इस गलती को सही करा रमेश को डेबिट करके. परचेज डेबिट में गलत था तो टू परचेजेस, हमारी गलती सही हो गई. अभी सिर्फ गलती सही हुई है, राइट. अब जो नहीं करा वो करते हैं, रमेश को डेबिट नहीं करा था तो रमेश को डेबिट करेंगे. तो रमेश फिर से लिखने की जरूरत है नहीं, फिर से कि रमेश नीचे लिख दे फिर से, तो इससे बेटर क्या है, 30,000 रुपए से एक बार डेबिट कर दिया भाई, 15,000 रुपए ये वाला डेबिट, 15,000 रुपए ये वाला डेबिट, 30,000 रुपए से डेबिट हो गया. सेल्स को क्रेडिट नहीं कर रहा था तो सेल्स को क्रेडिट कर दो, टू सेल्स अकाउंट, 15,000 रुपए परचेजेस में जाएंगे, 15,000 रुपए सेल्स में जाएंगे. सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. आई होप बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको रेक्टिफाई करनी है. एक रिदम दिमाग में लेके चलना, पहले मिस्टेक को सही करना फिर जो नहीं करा था वो करना, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स. अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच. ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स. ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा.